नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप ठीक होंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देने के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी मेरे पास एक पेशेंट हैं, हैदराबाद से हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा है अपना। उन्होंने कोई यूट्यूब पर देसी नुस्खा देखा था और उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया और उससे उनको कितना नुकसान हुआ, कितनी चैलेंज फेस कर रहे हैं। उन्होंने खाना खाने में दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर बहुत सारी नॉलेज है और आप पहले उस जानकारी को देखें कि आपके लिए ये सूटेबल है, आपके लिए लाभदायक है या नहीं, तभी आप उसको अप्लाई करिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी क्या। डॉक्टर साहब, मेरा नाम है सूर्यकांत पाल। मैं हैदराबाद में रहता था। कम से कम मैं 4-5 साल गुटखा खाया है। डेली 40-50 खाता था गुटखा। वो भी मैं गुटखा छोड़ दिया। 3-4 साल लगे मैं गुटखा खाता भी नहीं। जब मुँह छोटा होने लगा तो मैं गुटखा खाना बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया। तो कभी कभी नशा जो करा क्या करता मैं, कभी कभी थोड़ा सुबह एक ही टाइम खैनी थोड़ा मुँह में डाल के बाथरूम जाता, नहीं तो दिन भर में खैनी भी मुँह में लेता नहीं। कभी कभी पान खा लेता, गांव में, गांव आए तो पान खा लेता। अभी तो मैं पान भी कम से कम 4-5 महीना हो गया छोड़ के। और ज़्यादा सिर दर्द करे तो एक ही खा लेता, नहीं तो नहीं खाता मैं। अभी तक मेरा दांत भी कैसा पूरा ब्लॉक था, अभी तक कैसा फ्रेश हो गया। मेरा मुँह तो खोल रहा नहीं, खोल रहा बोल के नहीं खोल रहा, फिर भी 2 फिंगर को थोड़ा लाइक कम हो जा रहा। मैं यूट्यूब में देख के क्या करा ना, थोड़ा गर्म पानी नमक डाल के कूला कर लिया। आज सुबह मुँह नीचे उठ के मुँह धोया नहीं तो कूला कर लिया। कूला करके थोड़ा जो राई का तेल है थोड़ा लगा लिया मुँह में, तो ऐसा फूल गया दोनों साइड में। पूरा ब्लड जैसा जमा हो जाता है, ऐसा घट्टा बन गया दोनों साइड। अभी आज तो मैं सुबह से खाना भी खा नहीं पा रहा, मुँह खोल नहीं पा रहा। अभी मेडिसिन थोड़ा खाया तो कम लग रहा है। ये देखिए दोनों साइड। मैं कुछ भी नहीं किया, खाली गर्म पानी नमक डाल के थोड़ा कूला कर लिया और राई का जो कड़वा तेल होता वही लगा लिया मुँह में, तो ऐसा फूलने लगा। सडनली आ गया फूल, सूजन ऐसा हो गया। अब तो थोड़ा मेडिसिन खाया बोल के थोड़ा कम है। सुबह से मैं बहुत परेशान, मुँह को भी नहीं खोल पा रहा था। अभी तो थोड़ा दर्द कम है बोल के थोड़ा खोल रहा हूँ। 1500 रुपये का दवाई अभी चला गया मेरे को। मैं तो इतना गरीब आदमी हूँ, बहुत क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता तो आप भेजा सकते बोले तो कितना पैसा खर्चा होता क्या होता बोले तो थोड़ा साजिश करे तो कुछ कर सकता हूँ मैं, पैसा भी भेजा सकता हूँ। अगर आप साथ दिए तो हो जाता बोले तो अभी बहुत दिक्कत में हूँ मैं। अभी मुँह खोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं खाना भी खा नहीं पा रहा हूँ। इतना दर्द है पूरा गला, गला पूरा दर्द है, देख रहे ना सब पैसा सूजन हो गया ये पूरा। ये देखिए सर, मुँह तो इतना ही खोल रहा है एक। दो फिंगर का तो खोल रहा मेरा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि वो कितने परेशान हैं, बेचारा गरीब आदमी है और अभी कितनी सारी परेशानियां झेल रहा है। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी नॉलेज है और आपके लिए कौन सी काम की नॉलेज है, आपके लिए कौन सा सही नॉलेज है, पहले आप उसको सही ढंग से इन्वेस्टिगेट करें, सही ढंग से उसकी जानकारी लें, तभी आप अपने ऊपर उसको
अप्लाई करिए, क्योंकि आपका शरीर है, बॉडी है, ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आज हमने ये प्रयोग कर लिया, दूसरा प्रयोग कर लिया, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर हम तो इतने साल से गुटखा खाते हैं, मैं 15 साल से गुटखा खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरे पिताजी इतने साल से गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप क्या होने के इंतजार में बैठे हुए हैं कि आपको जब कोई बीमारी हो जाएगी तभी आप गुटखा बंद करेंगे? तो दोस्तों मेरा सजेशन और एक बड़े भाई के नाते मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप अगर गुटखा खा रहे हैं तो प्लीज़ उसको अभी से, आज से ही बंद करिए, क्योंकि ये अगर किसी, भगवान ना करे, किसी बीमारी में तब्दील हो गया तो आपको ये बर्बाद कर देगा और आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी ये बर्बाद कर देगा। आपको पता है कि गुटखा खाने से आज नहीं तो कल कैंसर ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आज अभी WHO की रिपोर्ट है कि हमारे 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आदमी को कैंसर हो रहा है। तो दोस्तों बिकॉज यही है कि आप लोग किस तरह से फालतू के गुटखा, पान मसाला, तंबाकू इस तरह का इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत साहस मिलता है। तो मैं इसी तरह आपके लिए जानकारी से भरपूर वीडियो लेके आता रहूँगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।